हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मेरा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट है डायगोनल स्केल। आज हम जानेंगे कि डायगोनल स्केल क्या होता है और इसे ड्राइंग में किस तरह से बनाया जाता है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो गाइस, डायगोनल स्केल, इस स्केल के द्वारा 3 यूनिट्स तथा डेसिमल पॉइंट के 2 स्थान तक माप ली जा सकती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर तथा डेसीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें ये कह रहा है कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर तथा डेसीमीटर पढ़ने के लिए एक डायगोनल स्केल को बनाओ, जिसमें आरएफ दिया है हमारा 1/40,000 और जिसमें हम 5 किलोमीटर तक डायमेंशन पढ़ सकते हैं, और इस मापनी में हमें जो डिस्टेंस शो करनी है वह है 3 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर तथा 3 डेकामीटर। तो गाइज, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्केल की लेंथ निकालते हैं। तो गाइज, आरएफ हमारा है 1/40,000। आरएफ बराबर होता है हमारा लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब स्केल की लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू होता है हमारा आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। लेंथ निकालने के लिए अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे जो वैल्यू दिया हमें। तो आरएफ हमें दिया है 1/40,000 और जो मैक्सिमम लेंथ पढ़नी हमें वो 5 किलोमीटर है। सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेंटीमीटर में। सो गाइस, हमारे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइस, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार हमारे स्केल की लेंथ निकल कर आएगी 12.5 सेंटीमीटर। सो गाइज, सबसे पहले हम 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे, यहां से 30 mm, यहां से भी 30 mm। अब इस 12.5 सेंटीमीटर लाइन को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इन पॉइंटों को वर्टिकल मिलाएंगे। इसके बाद इन्हें डिनोट कर लेते हैं। सो गाइज, जो हमारा एक कॉलम होगा वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमें एक कॉलम को 10 हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। इसके लिए भी एक एक्यूट एंगल खींचेंगे और इसे 10 बराबर भागों में बांटेंगे, जिससे हमारा ये 10 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यह हमारे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब इसको भी 10 डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है। इस प्रकार यह लाइन भी डिवाइड हो गई 10 इक्वल पार्ट में। अब लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिलाएंगे, इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद गाइज, इन पॉइंटों से हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे। सो गाइज, इस प्रकार से हमारा स्केल कंप्लीट हो जाएगा। बड़े कॉलम जो है हमारे वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये छोटे कॉलम हेक्टोमीटर को, और ऊपर की तरफ जो छोटे कॉलम चल रहे हैं डेकामीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो गाइज, इस प्रकार से हमारा डायगोनल स्केल कंप्लीट हो गया है। तो अब इसमें डायमेंशनिंग शो करते हैं। सो गाइज, इसमें हमें 3 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर तथा 3 डेकामीटर डिस्टेंस प्रदर्शित करनी है। सो गाइज, 3 किलोमीटर हमारा यहाँ होगा और 5 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर। तो इस प्रकार हम इसमें डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आते रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइज।